हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुमाइल है, आप लोग देख रहे हो हाई टेक न्यूज स्टार्टअप की वीडियो। आज मैं करूंगा कंप्लीट कैमरा कंपैरिजन हमारे एक्सपीरिया 5 का पिक्सल 4 से। बात करूं इन दोनों फ़ोन की तो ये दोनों फ़ोन पाकिस्तानी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। अभी बात करूं प्राइस एंड स्पेसिफिकेशन की तो एक्सपीरिया 5 में आपको पीछे की तरफ तीन कैमरे मिलते हैं। तीनों के तीनों 12 मेगापिक्सल कैमरे हैं, मेन सेंसर है, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और एक आपको टेलीफोटो लेंस मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको फ्रंट पे जो है वो 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है और यहाँ आपको EIS की सपोर्ट मिलती है, OIS इस फ़ोन में नहीं मिलता। बात करूँ पिक्सल 4 की तो यहाँ पर आपको पीछे की तरफ दो कैमरे मिलते हैं। 12 मेगापिक्सल का कैमरा है मेन सेंसर विद OIS, इसके अलावा 16 मेगापिक्सल का आपको एक टेलीफोटो लेंस मिलता है। यहाँ पर आपको कोई भी अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा नहीं मिलता बैक पे, और फ्रंट पे आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेहतर है। बात करूँ पिक्सल 4 की प्राइस की तो ये फ़ोन आपको 32,000 तक में मिल जाता है, 6GB 64GB, और PTA पैच अप्रूव होता है, ऑफिशियल अप्रूव। ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। तो स्टार्ट करते हैं, दिखाता हूँ सबसे पहले कुछ वीडियोस, पिक्चर, फिर बात करेंगे एंड में कंक्लूजन की। सो दोस्तों, ये वीडियो बन रही है दोनों के मेन कैमरा से फुल HD 60 फ्रेम पर सेकेंड पे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कलर्स का थोड़ा डिफरेंस ज़रूर है। हमारा जो गूगल है उसकी जो वीडियो है वो थोड़ी सी ज़्यादा ब्राइट है, जबकि एक्सपीरिया की जो वीडियो है आप देख सकते हैं जो पेड़ है उसके जो कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। एक्सपीरिया में थोड़े से ना आपको जो है डार्किश दिख रहे हैं, जबकि ओरिजिनल कलर जो है हमारा पिक्सल शो कर रहा है, पिक्सल में जो कलर हैं वो ज़्यादा बेहतर आ रहे हैं। अब थोड़ा चल के देखते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वीडियो में जो डार्कनेस है थोड़ी सी ज़्यादा है हमारे एक्सपीरिया में, जबकि पिक्सल की जो वीडियो है वो थोड़ी सी ब्राइट है। और ओवरऑल बात करूँ तो यहाँ पर दोनों का जो एक्सपोजर है बिल्कुल सही से काम कर रहा है, और यहाँ पर एक्सपोजर वाइज दोनों मुझे ऐसा कोई भी इशू नहीं आ रहा, और दोनों की ही जो डायनेमिक रेंज है मुझे सही दिख रही है। स्काई बहुत अच्छे से कैप्चर कर रहे हैं दोनों। तो चल के देखते हैं कलर्स का, मुझे यहाँ पर काफ़ी बड़ा डिफरेंस लग रहा है। मुझे कलर जो हैं थोड़े से ज़्यादा पसंद आ रहे हैं हमारे पिक्सल के। तो मैं चल रहा हूँ तो यहाँ पर आपको सोनी में EIS की सपोर्ट मिलती है, लेकिन हमारा जो पिक्सल है इसमें आपको OIS की सपोर्ट मिल जाती है। तो स्टडी मोड आप देख सकते हैं कि दोनों में कैसा काम कर रहा है, और दोनों ही वैसे स्टडी मोड जो है अच्छा काम कर रहे हैं। और यहाँ पर अब हम थोड़ा सा फोकस करके देखते हैं फ्लावर को, ठीक है। तो यहाँ पर ये फ्लावर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्लावर को दोनों ही काफ़ी अच्छे से ले रहे हैं। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा बेहतर लग रहा है हमारा सोनी के जो कलर हैं लीफ पे थोड़े से बेहतर आ रहे हैं। यहाँ पर हम फोकस करके देखते हैं थोड़ा सा, तो फोकस दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर रहे हैं। तो फोकसिंग में यहाँ पर ऐसे कोई भी इशू नहीं है, और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे कलर्स ले रहे हैं। देख सकते हैं कि फ्लावर्स के कलर दोनों में कैसे आ रहे हैं। अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो दोस्तों, ये वीडियो बन रही है इन दोनों के सेल्फी कैमरा से। यहाँ पर आपको दोनों में 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। बात करूँ डिटेलिंग की तो यहाँ पर दोनों की डिटेलिंग अच्छी है। कलर्स मुझे थोड़े से यहाँ पर ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं हमारे एक्सपीरिया आपको थोड़े से नेचुरल टोन प्रोवाइड कर रहा है, जबकि पिक्सल जो है थोड़े से वार्मिश टोन प्रोवाइड कर रहा है। और थोड़ा सा वाइट कैमरा है पिक्सल का, आप देख सकते हैं कि पिक्सल में जो पिक्चर है और जो वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा वाइट बन रही है। ज़रा सा फ़र्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। ओवरऑल दोनों के जो कैमरा अच्छा काम कर रहा है, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में जो पेड़ वगैरह हैं दोनों में अच्छे दिख रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में यहाँ पर जो डायनेमिक रेंज है पिक्सल में ज़्यादा अच्छी मिल रही है, जबकि बैकग्राउंड पर जो ट्रीज़ वगैरह हैं, पेड़ वगैरह हैं, वो हमारे एक्सपीरिया जो है सही से नहीं दिखा पा रहा। तो हाँ, डायनेमिक रेंज आपको पिक्सल में ज़्यादा अच्छी मिलती है, और बैकलाइट HDR भी दोनों में सही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा में मैं कहूँगा कि कलर्स थोड़े से मुझे बेहतर लगे एक्सपीरिया में, लेकिन अगेन डायनेमिक रेंज पिक्सल में ज़्यादा अच्छी है। तो ओवरऑल दोनों का जो फ्रंट कैमरा है वो अच्छा है। आप चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सर दोस्तों, ये वीडियो बन रही है लो लाइट कंडीशन में फुल HD 30 फ्रेम पर सेकंड पे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लो लाइट कंडीशन में यहाँ पर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारा जो पिक्सल है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वीडियो बना रहा है, जबकि एक्सपीरिया में जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा डार्क है, आपको कुछ भी सही से नज़र नहीं आ रहा होगा। और अगर मैं आपको ये अलग अलग वीडियो दिखाऊं तो आपको यकीन भी नहीं आएगा कि एक ही सिनेरियो में वीडियो बन रही हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ चल के आपको दिखाता हूँ, तो भाई एक तरफ तो एक्सपीरिया में कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, जबकि पिक्सल जो है वो आपको ट्री भी सही से दिखा रहा है,
जो फ्लैट्स हैं वो भी सही से दिखा रहा है, और यहाँ पर ज़मीन आसमान का फ़र्क है ब्राइटनेस में भी, डिटेल में भी। एक्सपीरिया बिल्कुल ही जो है वो लो लाइट कंडीशन में ना, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर वीडियोज़ में बिल्कुल भी सही काम नहीं कर पा रहा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मस्जिद जो है वो भी हमारे जो पिक्सल है उसमें ज़्यादा सही दिख रही है। और ओवरऑल भाई यहाँ पर बहुत बड़ा फ़र्क है लो लाइट कंडीशन में, अब एक्सपीरिया में लो लाइट में वीडियोज़ जो है वो इतनी अच्छी नहीं बना सकते। अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। दोस्तों ये वीडियो बन रही है दोनों के फ्रंट कैमरा, तब फ्रंट कैमरे में भी हमारा जो पिक्सल है वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा कलर्स हैं पिक्सल में, और बैकग्राउंड पे जो घर वगैरह आपको पिक्सल में सही से दिख रहे होंगे, जबकि आपको एक्सपीरिया में बिल्कुल ही जो मेरा चेहरा नज़र नहीं आ रहा होगा। लो लाइट में जो एक्सपीरिया कैमरा वो काफ़ी ज़्यादा जो है डार्क परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। जब तक अच्छी लाइटिंग ना हो तो एक्सपीरिया ना वीडियो बना पाता है ना ही पिक्चर सही से ले पाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना बड़ा फ़र्क है। अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो दोस्तों ये पहली पिक्चर है दोनों के मेन कैमरे से ली गई पिक्चर है डे लाइट कंडीशन में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कलर्स का थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन पिक्चर दोनों में काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई है, और पिक्सल के जो कलर हैं वो थोड़े से जो है ना आपको बूस्टेड कलर मिल रहे हैं, जबकि एक्सपीरिया थोड़े से आपको नेचर कलर प्रोवाइड कर रहा है। फ्लावर को जो है दोनों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कैप्चर किया है, और लीव्स के कलर भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। बात करूँ एक और पिक्चर की, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि लॉन्ग शॉट में पिक्चर ली है, यहाँ पर भी जो कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, डिटेलिंग भी अच्छी है। जो हॉर्स का कलर है उसको थोड़ा डिफरेंस दोनों में ज़रूर है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे नोटिस कर रहे होंगे जो ट्री है उसमें हमारे जो पिक्सल में जो ट्री आ रहा है वो थोड़ा सा है ना कलर आपको जो है वो ब्राइट कर रहा है, जबकि एक्सपीरियंस थोड़ा सा जो ट्री है उसको जो है डार्किश कर दिया है। अब यहाँ पर टेलीफोटो लेंस में मैंने यही पिक्चर ली है। अब टेलीफोटो लेंस में भी देख सकते हैं कलर्स का थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर हमारा जो एक्सपीरिया है वो कलर थोड़े से बूस्ट कर रहा है, जबकि पिक्सल जो है वो कलर थोड़े से नेचर रख रहा है। अब टेलीफोटो लेंस का दोनों का जो कलर स्कीम है वो थोड़ी सी चेंज है, लेकिन दोनों की कैमरा जो है अच्छे काम करते हैं। अब बात करूँ इसी पिक्चर को मैंने 8x जूम किया, तो 8x जूम करने के बाद भी दोनों ही की जो कैमरे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिटेलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो ARY लिखा हुआ है वो आपको दोनों में साफ से नज़र आ रहा होगा। तो जूम करने के बाद डे लाइट कंडीशन में दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। अब बात करूँ एक और पिक्चर की, तो ये फ्लावर की पिक्चर ली है मैंने दोनों से क्लोजअप शॉट में। आप देख सकते हैं कि दोनों के जो कलर्स हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे कलर प्रोवाइड कर रहे हैं, डिटेलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और यहाँ पर जो ओवरऑल कलर्स हैं डिटेलिंग है, पीछे जो बैकग्राउंड पे आपको आसमान है वो भी दिख रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि पीछे जो बैकग्राउंड पूरा वाइट कर दे, तो जो कि अच्छी बात है। अब यहाँ पर एक और पिक्चर की बात करते हैं, तो यहाँ पर मैंने पिक्चर ली है, यहाँ पर कलर्स का थोड़ा डिफरेंस ज़रूर है। हमारा जो पिक्सल है वो आपको थोड़े से यहाँ पर है ना ब्राइट और थोड़े से ना बूस्टेड कलर शो कर रहा है, जबकि एक्सपीरिया थोड़े से नेचुरल कलर प्रोवाइड कर रहा है। ओवरऑल जो पिक्चर है दोनों की अच्छी है। अब इसी पिक्चर को मैंने पोर्ट्रेट मोड पे लिया, तो पोर्ट्रेट मोड पर आप देख सकते हैं कि पोर्ट्रेट मोड मुझे पिक्सल का ज़्यादा पसंद आया। पिक्सल में जो पोर्ट्रेट है वो चारों तरफ प्रोवाइड किया, जबकि एक्सपीरियंस सिर्फ ऊपर ऊपर जगह पे पोर्ट्रेट प्रोवाइड किया, जबकि नीचे जगह पे जो है बिल्कुल जो है पोर्ट्रेट प्रोवाइड नहीं किया। तो पोर्ट्रेट में अभी भी पिक्सल जो है किंग है। अब बात करूँ एक और पिक्चर की, तो ये सेल्फी पिक्चर है। सेल्फी में आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल मैंने दोनों में ब्यूटी मोड ऑफ किया हुआ था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर्स दोनों कैसे हैं, डिटेलिंग कैसी है। बात करूँ कलर्स की, तो यहाँ पर मुझे जो एक्सपीरिया कलर है वो थोड़े से व्हाइटिश टोन प्रोवाइड कर रहा है, जबकि पिक्सल जो है वो आपको थोड़ा सा नेचुरल कलर प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर शर्ट के कलर देख सकते हैं दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंट है। अब इसी को मैंने पोर्ट्रेट मोड पर लिया, तो पोर्ट्रेट मोड पर लेते ही हमारा जो एक्सपीरिया वो काफ़ी ज़्यादा आपको ना ब्यूटीफाई कर देता है, ब्यूटी मोड आपको लगा देता है, लेकिन हमारा जो पिक्सल है वो पोर्ट्रेट में भी आपको जो है ना नेचुरल कलर प्रोवाइड करता है, नेचुरल लुक प्रोवाइड करता है। तो ये डिफरेंस है, लेकिन 8 मेगापिक्सल का कैमरा जो है दोनों में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। अब बात करूँ एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशन की, तो भाई यहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती हैं। आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर जो है मैंने विदाउट नाइट मोड के लिए, अब यहाँ पर एक्सपीरियंस को कोई भी एक्स्ट्रा नाइट मोड नहीं मिलता, ये खुद ही ऑटो पर डिटेक्ट करता, तो ऑटो पर डिटेक्ट करके उसने ऐसी पिक्चर ली है। और पिक्सल में मैंने नाइट मोड को ऑफ करा हुआ था, तो यहाँ पर एक्सपीरिया की पिक्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, पिक्सल की इतनी अच्छी नहीं लग रही। लेकिन जैसे ही हमने नाइट मोड को ऑन किया पिक्सल में, तो सैनियो बिल्कुल ही चेंज हो गया। नाइट मोड ऑन करते ही जो गूगल पिक्सल की पिक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, जबकि एक्सपीरिया का कोई नाइट मोड नहीं मिलता तो हमें यही जो है वो पिक्चर मिलती है। तो ओवरऑल यहाँ पर लो लाइट सैनारियो में जब नाइट मोड ऑन करते हो तो पिक्सल जो है वो क्रेजी रिजल्ट प्रोवाइड करता है, जिसके सामने एक्सपीरिया जो है वो कुछ नहीं लगता। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विदाउट नाइट मोड की पिक्चर है, दोनों की ऑलमोस्ट सेम पिक्चर है, कलर्स ठीक हैं, डिटेलिंग वगैरह यहाँ पर सो है दोनों में, क्योंकि नाइट मोड था और रात का सिनेरियो था तो इतना जो है अच्छी पिक्चर नहीं ली गई। लेकिन यहाँ पर आपके पास पिक्सल पे लो नाइट मोड है, तो नाइट मोड को आप ऑन करते हो तो पिक्सल में जादू हो जाता है और पिक्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है, जबकि एक्सपीरिया में नहीं है तो ये आपको यही आपको जो है पिक्चर मिलेगी। तो ओवरऑल यहाँ पर जो पिक्सल का नाइट मोड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करता है, और ओवरऑल यहाँ पर जो पिक्चर है हमारे
पिक्सल में काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई है एक्सपीरिया से। अब बात करूँ एक और पिक्चर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर भी मैंने लो लाइट कंडीशन में ली गई है, विदाउट नाइट मोड पे ली है मैंने। यहाँ पर पिक्सल में कोई भी नाइट मोड ऑन नहीं किया था, और एक्सपीरिया में आपको यही पिक्चर मिलती है ऑटो नाइट मोड पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर दोनों में ऑलमोस्ट सेम है, डिटेलिंग भी यहाँ पर अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा लो लाइट थी। अब जैसे मैंने यहाँ पर नाइट मोड ऑन किया पिक्सल में, तो अगेन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ गया है। पिक्सल की जो पिक्चर है वो ज़्यादा ब्राइट हो गई है, कलर ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, डिटेलिंग थोड़ी ज़्यादा बेहतर हो गई है, जबकि हमारे एक्सपीरिया में जो है आपको यही फाइनल रिजल्ट मिलेगा। तो ओवरऑल लो लाइट में यहाँ पर कोई भी कंपैरिजन नहीं है। अब इसी को मैंने टेलीफोटो लेंस में लिया, तो टेलीफोटो लेंस भी देख सकते हैं दोनों को ऑलमोस्ट सेम काम करता है अगर नाइट मोड आप ऑन ना करो, क्योंकि पिक्सल में आप टेलीफोटो लेंस में भी नाइट मोड ऑन कर सकते हो। तो नाइट मोड अगर आप ऑन ना करो तो दोनों में आपको जो है ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट मिलते हैं, दोनों की कलर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, डिटेलिंग भी अच्छी है। और यहाँ पर बात करूँ मैं अगर नाइट मोड ऑन कर देता हूँ पिक्सल में, तो नाइट मोड ऑन करते ही पिक्सल में यहाँ पर डिटेलिंग भी बढ़ जाती है, कलर्स भी अच्छे हो जाते हैं, ओवरऑल यहाँ पर जो पिक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती है नाइट मोड ऑन करने के बाद। तो आफ्टर टर्न ऑन द नाइट मोड द रिजल्ट आर फंटास्टिक इन पिक्सल 4। इसके अलावा इसी पिक्चर को मैंने 8x जूम किया, तो 8x जूम करने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो पिक्सल की डिटेल है वो ज़्यादा बेहतर। आप मस्जिद के गुम्बद को देख सकते हैं, इसके अलावा चार मीनार को देख सकते हैं, जबकि एक्सपीरिया जो है वो बाकी लाइट्स के कंफ्यूज होने के साथ साथ यहाँ पर जो डिटेल है वो काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा है। अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे। सो दोस्तों, वीडियोस आपने देखी, पिक्चर आपने देखी, आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेहतर है। बात करूँ डे लाइट पिक्चर की, तो डे लाइट पिक्चर मुझे दोनों की ही पसंद आई, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी पिक्चर लेते हैं। लेकिन बात करूँ पोर्ट्रेट की, तो पोर्ट्रेट हमारा पिक्सल 4 ज़्यादा अच्छा लगता है, एक्सपीरिया का पोर्ट्रेट इतना अच्छा नहीं है। इसके बाद बात करूँ वीडियोज़ की, तो वीडियोज़ के रिगार्डिंग मुझे कलर्स थोड़े बेहतर लगे हमारे पिक्सल 4 के। पिक्सल 4 में जो कलर्स हैं वो थोड़े ज़्यादा ब्राइट थे, और ओवरऑल जो डिटेल्स थी मुझे थोड़ी ज़्यादा बेहतर लगी पिक्सल 4 में। इसके अलावा एक्सपोजर वगैरह, डायनेमिक रेंज वगैरह दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, डे लाइट कंडीशन की बात कर रहा हूँ। और बात करूँ लो लाइट की, तो लो लाइट में हमारा जो पिक्सल 4 है वो सिंगल हैंडेडली बीट करता है हमारे एक्सपीरिया 5 को। अब इसके पीछे रीज़न ये है कि एक तो एक्सपीरिया 5 में आपको कोई भी नाइट मोड नहीं मिलता, इसका जो फ़ोन है वो खुद ही डिटेक्ट करता है लो लाइट सिनेरियो में, और जो लो लाइट इनका जो सॉफ्टवेयर वाइज लो लाइट जो ये फ़ोन डिटेक्ट करता है, मैं आपको चलो दिखा देता हूँ एक सेकंड। जैसे ही आप कैमरे में जाते हैं तो कैमरा है ना खुद ही डिटेक्ट करता है, देखें अभी मैक्रो डिटेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसे कोई भी ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर मोड्स में आपको जस्ट कुछ स्लो मोशन और गूगल लेंस और पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी आपको लो लाइट का ऑप्शन नहीं मिलता, ये खुद ही डिटेक्ट करता है। लो लाइट में भी दो सिनेरियो डिटेक्ट करता है, एक नाइट सेंस है, एक लो लाइट है। अगर नाइट सेंस ही डिटेक्ट करता है तो इसकी जो पिक्चर है वो इतनी अच्छी नहीं आती। लो लाइट में भी पिक्चर जो है वो अच्छी तो आती है, लेकिन जैसे ही आप पिक्सल 4 से इसको कंपेयर करते हो तो भाई पिक्सल 4 से इसको कंपेयर करना बनता ही नहीं है। पिक्सल 4 बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करता है लो लाइट सिनेरियो में। भले से दोनों फ़ोन एक ही प्राइस पे आ रहे हैं, लेकिन पिक्सल 4 का कैमरा जो है वो फैब है, मतलब यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आते हैं। चाहे वो आप इसका जब विदाउट नाइट मोड के पिक्चर लेते हो पिक्सल 4 में, तो जो है वो ऐसा लगता है कि एक्सपीरिया 5 की पिक्चर जो है ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जैसे ही आप लो लाइट मोड ऑन करते हो हमारे पिक्सल 5 में और पिक्सल 4 में, तो पिक्सल 4 का जो लो लाइट मोड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करता है, और जो पिक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल हो जाती है, कलर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते हैं। जबकि अदर हैंड एक्सपीरिया काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता है जब लाइटिंग कम होती है। और वीडियोस की तो बात ही ना करो, वीडियोस में आपने खुद देखा था क्या हाल था, मतलब एक्सपीरिया में वीडियो दिख ही नहीं रही थी, जबकि पिक्सल 4 की जो वीडियो थी वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट थी, कलर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, डिटेलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी हमारे पिक्सल 4 में। इसके अलावा बात करूँ टेलीफोटो लेंस की, टेलीफोटो लेंस जो है वो दोनों को ऑलमोस्ट सेम काम करता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो अल्ट्रा वाइडिंग कैमरा है सोनी में बैक पे, हाँ अगर आपको बैक से अल्ट्रा वाइडिंग कैमरी वीडियोस वगैरह बनानी है तो सोनी से बना सकते हैं, पिक्सल में ऐसा कोई आपको ऑप्शन नहीं मिलता। इसके अलावा यहाँ पर बात करूँ अच्छी लाइटिंग कंडीशन में, तो अच्छी लाइटिंग कंडीशन में दोनों ही अच्छा काम करते हैं, कलर्स वगैरह दोनों में आपको अच्छे मिल जाते हैं। और बात करूँ स्लो मोशन की, तो यहाँ पर हमारे पास सोनी के पास जो है पॉइंट जाते हैं, सोनी में आपको 960fps का स्लो मोशन का ऑप्शन मिल जाता है जो कि पिक्सल में आपको नहीं मिलता। और ओवरऑल जो स्लो मोशन की वीडियो है मुझे सोनी में थोड़ी ज़्यादा बेहतर लगी। इसके अलावा बात करूँ ओवरऑल कैमरा कंपैरिजन की, तो
दोस्तों डे लाइट कंडीशन में पिक्चर्स दोनों में अच्छी आती हैं, लेकिन पोर्ट्रेट मोड हमारे पिक्सल 4 में अच्छे हैं। इसके अलावा वीडियोस में मुझे पिक्सल 4 की जो कलर हैं वो ज़्यादा पसंद आए, लेकिन डायनेमिक रेंज और एक्सपोजर वगैरह दोनों ही अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। इसके अलावा बात करूँ लो लाइट में, तो लो लाइट में कोई भी कंपैरिजन नहीं है, पिक्सल 4 ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट में हमारे सोनी को बीट करता है। तो ये था कंप्लीट कैमरा रिव्यू हमारे दोनों फ़ोन्स का। कैसी लगी आपको आज की वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।